टैंकर की टक्कर से एक युवक की दर्दनाक मौत। हादसा इतना भीषण था कि देखने वालों की रूह कांप उठी। सिंगरौली मध्य प्रदेश एवं सोनभद्र उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर जयंत दुधीचुआ मुख्य मार्ग पर दर्दनाक हादसे में एक युवक की मौत हो गई। दुधीचुआ मुख्य मार्ग पर NCL कंपनी की तेज रफ्तार टैंकर ने बाइक सवार दो जनों को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि एक युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, दूसरा गंभीर रूप से घायल। हादसे के बाद घटना स्थल पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। सूचना पर पहुंची शक्तिनगर पुलिस ने मृतक के परिजनों के पहुंचने से पहले ही शव को सड़क से हटवा दिया। जानकारी के अनुसार 30 वर्षीय मृतक मढ़ोली का निवासी बताया जा रहा था। नाराज लोगों ने कई घंटों तक सड़क पर हंगामा किया। आपको बता दें कि बाइक सवारों की एक एक कर हुई कई मौतों ने लोगों को हिलाकर रख दिया है। तमाम प्रशासनिक दावे के बीच सड़क दुर्घटनाओं में मौत का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। थोड़ी सी लापरवाही लोगों को जान देकर चुकानी पड़ रही है। शायद ही कोई ऐसा दिन होगा जब क्षेत्र से होकर गुजरने वाली वाहनों से मुख्य मार्ग पर दुर्घटनाएं न हों। लापरवाही की भेंट चढ़ रहे लोग, सड़क पर दुर्घटना लगातार बढ़ती जा रही है। पहले आए, इसके बाद लड़का का भाई है। जिंदगी तक की कमाई हम साले को इसके नौकरी के लिए 20 लाख रुपया खर्चा करके फाइल जमा किए हैं। इसका फिर भी साले मांगते हैं दलाल लोग की, हमको 15-20-5 घूस साले इसी में दौड़ा दौड़ा के हमारे लड़का जमीन भी गया, साले जान भी चला गया, हमारा लड़का भी मर गया। जिनकी घटना हुई है वो हमारे चाचा थे और उनकी मृत्यु जो हुई है वो NCL के फाइल, मतलब जो नौकरी का प्रोग्रेस चल रहा है उनके लिए वो कुछ डॉक्यूमेंट जमा करने गए थे और वहीं से लौटने के बाद NCL के टैंकर द्वारा ही उनका एक्सीडेंट हुआ और उनके साथ एक व्यक्ति और भी बैठे थे जो उनके परिजन के भाई ही हैं। और उस घटना बलिया नाला पे हुआ और जिसके द्वारा क्या किया गया कि NCL के इशारे पे शक्तिनगर पुलिस उसको लाश को गायब करने की कोशिश की गई और वहाँ पे होटल द्वारा बाल्टी से पानी ले आके उसको धोने की कोशिश की गई, जिनके लोगों ने मना कर दिया तो कुछ पुलिस वाले मान गए और जिस टेम्पू पे सवारी बैठे थे उनका जबरदस्ती खाली करा के लाश को गायब कराया गया, रिक्शा वाले को भी हड़काया गया। और इस विषय में अगर हम लोग की मांग पूरी नहीं होगी तो मुआवजा उचित नहीं मिला तो हम लोग पूरे खदान NCL का बंद करेंगे जो भी दुधीचुआ प्रोजेक्ट में आता है, क्योंकि ऐसे कई फाइलें अटकी हुई हैं जो कि 8 साल 10 साल से अभी तक नौकरी नहीं हो रहा, कभी फोटो के कभी पेपर के बहाने हमेशा बुलाया जाता है।